Hi everyone, this is Swami Jadisar. Welcome back to another video in my channel. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हायरिंग फ्रीज के बारे में। अभी तक तो हम सब ने सुना था कि आईटी इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है, सब जगह सिर्फ मास हायरिंग हो रही है। बट कम 2022 एंड ऑल वी आर लिसनिंग इज न्यूज ऑफ मास फायरिंग्स, हायरिंग फ्रीज, लेऑफ्स, रिसेशन एंड व्हाट नॉट। If you are someone who is interested to know about how this current economic situation is going to impact software engineering sector and how it's going to impact your jobs, or maybe want to know which all companies in India and abroad has gone into hiring freeze and which all companies are hiring actively, then you have come to the right video. Here I will discuss everything there is to know about this in complete detail. But before starting, I must say the like target of this video is 1,500 likes. यार पिछले बहुत सारे वीडियो से like target पूरा नहीं हो रहा है, तो please like कीजिए। अगर आप वीडियो को like करोगे तो उससे YouTube को भी पता चलेगा कि आपको ये content अच्छा लग रहा है, ताकि वो और लोगों तक ये suggest करे इस content को। Share this video among your friends and peers and subscribe to the channel if you have not already. Now without further ado, let's get started. तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हम अभी सिर्फ 6 से 9 महीने पहले देखेंगे, तब इतनी ज्यादा कंपनीज एक साथ हायर कर रही थी, तो अभी ये सोच के बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आखिर हुआ क्या, अचानक से अभी सारे तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा क्यों है, सिर्फ सन्नाटा और बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन इन हायरिंग इन बोथ टॉप टेक एज वेल एज स्टार्टअप्स। आखिर ऐसा हुआ क्या कि सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हम देखते आ रहे हैं, वो सारी कंपनीज को एक डिसीजन लेना पड़ा कि वो अपनी हायरिंग को या तो बंद कर रखेंगे या फिर अपनी जो परफॉर्मेंस रिव्यूज है उनको स्ट्रिक्ट करेंगे ताकि कुछ लोगों को फायर कर सके, या लेऑफ्स करेंगे, या जो इंटर्न्स आ रहे हैं उनको पीपीओ नहीं देंगे। इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिसीजन, इतना ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप क्यों लिया जा रहा है अचानक से, तो इसको पहले समझते हैं। आप मानो ना मानो, ये सब की शुरुआत भी इस पैंडेमिक से ही होती है। अब जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ, वैसे ही स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश कर गया था ऑलमोस्ट हर जगह का। सिर्फ यही नहीं, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट वाज इम्पोज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, द इकोनॉमी केम टू अ स्टैंड स्टिल। अब इकोनॉमी स्टैंड स्टिल आने से गवर्नमेंट का काम नहीं लग जाता, एंड गवर्नमेंट को इस करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में अपने कंट्रीज को सस्टेन करने के लिए पैसे चाहिए थे। तो अब गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लेकर आए? तो what most of the governments in most of the countries did is that they started printing more and more money. Literally, उन्होंने नोट छापना शुरू कर दिया। अब ये तो नॉर्मल सप्लाई और डिमांड का खेल है। अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है than its demand, तो उस चीज की वैल्यू घट जाती है, और इस वैल्यू के घटने को हम एक टर्म कहते हैं, and that is known as inflation. अभी आप मानोगे नहीं, in USA in the last year the inflation rate was more than 7.5% in a year. India mein rehke 7.5% inflation seems to be okay and normal, but for a developed country that is way too high. For example, agar main London ka example lu, wahan pe pre-pandemic for last 10 years the cost of 1 gallon of milk did not change. Normal, baki sari cheezon ke bhav ke badhne ko inflation kehte hain. Ab itna zyada inflation ho gaya, normal cheezon ka cost itna zyada badh gaya, bahut sare companies ke liye bhi ye sustain kar pana mushkil ho gaya. अभी ये तो एक रीजन हो गया जिसके वजह से सब बोल रहे हैं कि शायद रिसेशन आ सकता है। अब बाकी दूसरा एक और रीजन है जो कि टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसके कारण टेक इंडस्ट्री काफी इंपैक्ट हुई है। अभी अगर आप देखोगे इन द ईयर ऑफ 2021 जब पैंडेमिक अपने पीक में था, आफ्टर द इनिशियल करेक्शन इन द स्टॉक मार्केट, सारे जो टेक कंपनीज है उन सब में एक मैसिव बूम आया था। एवरी टेक कंपनी दैट यू सी, द स्टॉक ऑफ दोस टेक कंपनीज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई इन द ईयर ऑफ 2022, एंड दिस वाज बिकॉज द वर्ल्ड बिकेम प्राइमरली टेक ड्रिवन, क्योंकि कोई आपस में मिल नहीं सकता था। द ओनली वे अ पर्सन कुड मीट अनदर पर्सन वॉज विद द हेल्प ऑफ टेक, द ओनली वे अ पर्सन कुड बाय एनीथिंग वॉज विद द हेल्प ऑफ टेक, द ओनली मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एनी पर्सन आउट देयर वॉज विद द हेल्प ऑफ टेक, बिकॉज द डिपेंडेंसी ऑन दीज टेक फर्म्स इंक्रीज्ड
The number of users of these tech firms also increased dramatically. And as a result of which, you can see their profits increased and the stock price increased. Because of this increase in profit, companies started hiring a lot more people than it might have been necessary at that point in time. But now at this point in time, when the pandemic is finally easing out a bit, duniya khulne lagi hai, log aapas mein milne lage hai, return to office is a thing now, dependency on tech has decreased. Instead of OTTs, cinema theaters are picking up. Instead of us relying on Zoom video calls, we are meeting in person. As a result of which, the users using these tech products decreased. As a direct correspondence to it, the stock price of many of the tech firms. Now this was a correction. अभी इसके साथ साथ कुछ 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 और जो tech firms हैं, like Facebook, Snapchat, Pinterest, Netflix, उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा धोखा हो गया. अब Facebook ने बहुत ही ज्यादा investment अपने AR VR technology में करा था, which did not take off. उसके साथ साथ the number of active users of who are using Facebook declined. हमारी generation कोई भी शायद Facebook use नहीं करता है. To be honest, I use Facebook only to search for flats that are available in the city. Not only this, Netflix का जो user base है वो भी काफी कम हो रहा है. And Netflix is projecting कि इस साल के end तक और 2 million subscribers Netflix will lose. And this is because the cost of Netflix subscription is extremely high with respect to that of its competitors. Same goes for Snapchat and Pinterest. ये सारी जो companies है जो कि एडवर्टिजमेंट के भरोसे में चल रही थी, चीजें खुलने के बाद उनमें एडवर्टिजमेंट आना कम हो गया, जिसके कारण दे ऑल हैव अ वेरी ग्रिम प्रोजेक्शन. एज अ रिजल्ट इन सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस 70-80% नीचे आ गए, जबकि बाकी जो कंपनीज है टेक के लिए उनके स्टॉक प्राइसेस माइट बी डाउन बाय अराउंड 30-40-50%. इन कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस आर डाउन बाय 70-80-90% एज वेल. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस, हम आज 2022 मिड में यहाँ पे खड़े हैं, वेयर वी आर सीइंग मेनी ऑफ दीज कंपनीज, द बिग टेक कंपनीज आर स्लोइंग डाउन हायरिंग अक्रॉस लेवल्स अक्रॉस कंट्रीज. ज्यादा इफेक्ट डेफिनेटली US मार्केट्स में हुआ है than in India, but yes, still many of the companies in India has been affected by this. अब big tech companies का तो ये सारे reasons हो गए, but उसके साथ साथ India में हमने ये जरूर देखा है कि जो startups हैं उन्होंने at least in 2022 more than 11,000 employees को lay off कर दिया है. And this is certainly extremely distressing situation to say the least. Some of the startups who have laid off employees in the tech department are Ola, Meesho, Rupeek, PharmaEasy, Lido, MPL and Unacademy. To be honest, in a world where we are contemplating that a possible recession might come in, because all the indicators seem to suggest that way, being in a startup can be extremely distressing. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको startups के offers नहीं accept करने चाहिए, आपको startups देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. There are lots and lots of startups who has not done any layoff for that matter, but yes, definitely speaking, startups are a risky bet. आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा अगर आप किसी भी startup से startup के offer को contemplate कर रहे हैं. Then I would suggest that take a look at the financials of that startup very clearly. Try and understand whether or not that particular startup is a loss-making startup or a profit-making startup. If it's a profit-making startup, then that's fine, that's good. For most intents and purposes, you will be fine. But if it's a loss-making startup, try and understand the role that you are going into and whether or not they have a vision of continuing on that particular path. Kyunki kahi baar aisa hota hai, and this is a testament to the number of people who have been laid off in the startup, is that these startups tend to hire a lot of employees when there is a lot of money that is pumped in by VCs so that they can splurge. But abhi, at this point in time, since market फिर से correction की तरफ जा रहा है, at this point in time, जब सारे VCs are looking for making their investments profitable, the startups no longer have the luxury of unlimited cash from VCs to burn, and as a result of which, in order to turn themselves profitable, वो लोग एक एक करके अपने loss making divisions को बंद कर दे रहे हैं, जिसके वजह से Indian startup ecosystem में इतने ज़्यादा layoffs हुए हैं. It is definitely very concerning to say the least. और मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिना सोचे समझे, बिना खुद के रिसर्च किए किसी भी स्टार्टअप के ऑफर को एक्सेप्ट करें. बट येस, हैविंग सेड दैट,
अगर आपके पास कोई और ऑफर है नहीं और आपके पास स्टार्टअप्स के ऑफर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टअप के ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्ट दैट ऑफर, बिकॉज हैविंग एन ऑफर एंड वर्किंग एट अ प्लेस विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, विल डेफिनेटली विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड। एंड नीडलेस टू से, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में आपका जो काम होगा वो काफी मीनिंगफुल होगा टू से द लीस्ट। सो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, देन गो अहेड एंड टेक इट, बट कीप ऑन प्रिपेयरिंग साइड बाई साइड। बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ वेरी स्पेशल मैसेज फ्रॉम क्राइ। Cryo is one of the leading edtech platforms in the country, which focuses on project-based learning rather than video-based learning. They have two amazing software development tracks. One is backend development track, the other one is full stack development track. Both of these tracks have amazing, amazing industry-grade projects which you will be building hands-on, and you can add them in your resume as well. Not only this, you will get support from industry-leading mentors, teaching assistants, as well as you will also get exposure to a lot of amazing latest technologies, including AWS, React, Java, Spring Boot, Mockito, and much more, to get a glimpse of how projects are made in the industry. You can get a 10% discount using the code Soumyajit. I have given the link in the description below, so go there and definitely check out the courses. You can even avail a free week completely to see if it is for you, and then definitely use the code Soumyajit to get a 10% off. Abhi कौन कौन से मेजर बिग टेक कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज कर दिया है? इसका आंसर है गूगल। गूगल ने एक 2 वीक्स के लिए अपना हायरिंग को पॉज करा है। वो 2 वीक्स तक एक बार असेस करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन एंड द प्रोजेक्शंस, एंड देन विल अगेन मे बी रिज्यूम हायरिंग। बट येस, डेफिनेटली हायरिंग काफ़ी स्लो हो चुका है गूगल में। इंडिया में तब भी हायरिंग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चल रही है, बाहर तो बिल्कुल ही पॉज है। सेकेंड आता है फेसबुक। फेसबुक ने हायरिंग फ्रीज कर दी है। फेसबुक हैज़ रिसेंडेड ऑफर्स दैट दे हैव गिवन आउट टू पीपल, दैट दे हैव गिवन आउट टू देयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। फेसबुक हैज़ रिसेंडेड दोस ऑफर्स। जो इंटर्न्स अभी इंटर्न कर रहे हैं फेसबुक में, उनको बोल दिया है कि उनको कोई ऑफर नहीं मिलेगा अभी फ्रॉम फेसबुक। इसके साथ साथ सेल्स फोर्स, जो तीसरी कंपनी है जिसने अनाउंस करा है कि दे आर गोइंग इन टू हायरिंग फ्रीज एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसके बाद आता है कॉइनबेस। आई रिसेंटली मेट विथ वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स इन हैदराबाद इन माई ऑफिस, एंड हिज ब्रदर गॉट एन ऑफर फ्रॉम कॉइनबेस इंडिया, एंड कॉइनबेस सिंपली रिजेक्टेड दैट ऑफर फ्यू डेज बिफोर ज्वाइनिंग। कॉइनबेस ने तो इनफैक्ट ले ऑफ भी करे है अपने इंडियन ऑफिस में भी। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड कंपनी फॉर दैट मैटर एट दिस पॉइंट इन टाइम टू ज्वाइन देयर, टू बी ऑनेस्ट। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट अभी हायरिंग कर रही है, बट थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर आया है। माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर ऑर्ग है उसमें अभी भी फुल पेस में हायरिंग चल रही है, बट उसके अलावा जो बाकी सारे ऑर्ग हैं उनमें द हायरिंग पेस हैज़ डिक्रीज्ड अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज कंपनीज आउटसाइड ऑफ इंडिया, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट एंड ऊबर तीनों ने ही हायरिंग फ्रीज कर दी है। इनफैक्ट बाहर तो ऊबर में ले ऑफ्स भी हुए हैं रिसेंटली। नॉट ओनली दिस, बोथ गूगल एज वेल एज फेसबुक दोनों ने अपने परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। इनफैक्ट फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ये कहा है कि फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस रिव्यू ऑनवर्ड्स दे विल बी स्ट्रिक्टली इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी कैंडिडेट, और जो भी उनके बार को मीट नहीं करता उनको फायर कर दिया जाएगा। सिमिलरली इन गूगल एज वेल, अ न्यू सिस्टम विच इज़ नोन एज ग्रैड सिस्टम फॉर रिव्यूइंग इंटरनल पीपल हैज़ स्टार्टेड, एंड उसके अंदर भी बहुत स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन किया जा रहा है फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉई। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग हो रही है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल में भी रिस्ट्रक्चरिंग के वजह से थोड़े लेऑफ्स भी हुए हैं, बट उसमें जो टेक लोग इम्पैक्ट नहीं हुए हैं ज़्यादा। अभी हम ये बात करेंगे कि अगर रिसेशन आ जाता है तो टेक इंडस्ट्री कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। सो टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है और ये मानना है, एंड आई कैन बी क्वाइट रॉन्ग, बट आई डू बिलीव कि अगर रिसेशन आता है डेफिनेटली ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज विल गेट इम्पैक्टेड, बट आई डू बिलीव द टेक इंडस्ट्री विल नॉट बी इम्पैक्टेड एज मच एज द अदर इंडस्ट्रीज माइट गेट इम्पैक्टेड। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इन टेक इंडस्ट्री द थिंग्स दैट वी आर बिल्डिंग, द थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग, दे विल कंटिन्यू टू बी यूज इवन आफ्टर रिसेशन। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हायरिंग कम हो जाए, ये ज़रूर हो सकता है कि पैकेजेस जो इतने हाई मिल रहे थे उतने हाई ना मिले, ये ज़रूर हो सकता है कि आप अगर स्विच करना चाहो तो उतने आसानी से स्विच ना कर पाओ, इंटरव्यू बार इंक्रीज हो जाए। बट अगर प्योर इम्पैक्ट के नंबर से अगर आप देखोगे तो शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि फ्यूचर टेक है, फ्यूचर डेटा है।
एंड विदाउट दीज टू देर इज नो फ्यूचर एट ऑल. सो वन थिंग दैट इज फॉर सर्टेन इज दैट इफ यू आर वर्किंग इन टेक, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ML इंजीनियर और इन एनी शेप और फॉर्म एसोसिएटेड विद टेक इंडस्ट्री पर से, मोर ऑफन देन नॉट your skills will be used, usable. More often than not, there will be a position out there in a company where they can use your skills. Because without tech, as we have seen in the pandemic, the world comes to a standstill. I really hope that you liked the video. If you did, then hit the like button. The like target of this video is 1,500 likes. Share this video among your friends and peers and subscribe to the channel if you have not already. Hit the notification bell. And do comment down below what more different kinds of videos you would want me to make. I'll gladly make them. This is your host, Soumya Ajit, bidding goodbye. Das Vidaniya.